का है जो हमारे नुकते में बेहतरीन जगह में से है, यानी जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं या बैठे हुए हैं, वहाँ से इस जजीरे का फासला इतनी दूर है कि वो अमलन जमीन का किनारा है। साउथ ईस्ट पैसिफिक के जजायर में से ये एक छोटा सा जजीरा अमलन जमीन के किनारे पर डेट लाइन के परली तरफ वाक़ है। इस जजीरे के मुतालिक एक बहुत ही दिलचस्प बात ये बताने के काबिल है कि एक दिन मुझे एक ऐसा ख़त मौसूल हुआ फिजी से, जिसमें बताया गया कि फलां फलां जजीरे ऐसे हैं जिनमें कोई भी मुसलमान नहीं है और उनमें हमें ज़रूर इस्लाम को फैलाने का मंसूबा बनाना चाहिए, और उनमें खसूसियत से तवालू का जिक्र था। चुनाचे मेरी नज़र तवालू पर पड़ी और मैंने सोचा कि इस जजीरे में लाजमन इस साल इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। दूसरे रोज़ इफ्तिखार अहमद साहिब अयाज, एक हमारे दोस्त हैं जो यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे हैं, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे कहा कि एक ज़रूरी मशवरा करना है। वो मशवरा ये है कि मुझे पहली नौकरी से जवाब मिल चुका है और एक नौकरी एक दूर दराज के जजीरे में पेश हुई है, उसका नाम तवालू है। आप बताएं कि मैं इस नौकरी को कबूल करूं या ना करूं? आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मेरे दिल की सोच क्या कहती है। यूँ लगता था कि आसमान से खुदा ने उस तमन्ना का जवाब दिया है। मैं उठकर उनके गले लग गया। मैंने कहा, नेकी और पूछ, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि कब खुदा रास्ता पैदा करे। आप जाएं और आप खुदा के फजल से वहाँ के पहले मुबल्लिग हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने यह फजल फरमाया, उनके काम में ऐसी बरकत दी कि वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ जमात कायम हुई और खालिस ईसाई रोमन कैथोलिक ईसाइयों में से ऐसे प्यारे मवाहिद पैदा होने शुरू हुए कि उनको देखकर रश्क आता है। जो पहला आदमी जिसने बैत की, उसने साथ ही वक्त किया और इसरार किया कि फौरन मेरी तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। चुनांचे उनको फिजी भिजवाया गया ताकि वहाँ कुछ अर्सा ठहर कर वो बाकायदा तरबियत हासिल करें। उनकी तबलीग से और कसरत से अहमदी होने शुरू हुए, मुसलमान होने शुरू हुए यानी, और खुदा के फजल के साथ और कामयाबियों के अलावा इस वक्त तक की रिपोर्ट ये है कि वहाँ की पुलिस को खास तवज्जो पैदा हुई है इस्लाम की तरफ, और सारी पुलिस का 25% इस वक्त तक मुसलमान हो चुका है।